नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज और नालंदा की है। नालंदा के रहुई के एतसंग पंचायत के मिर्जापुर गांव में मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार व अन्य नेताओं ने 70 लाख की लागत से मनरेगा योजना की पक्की नली गली व पीसीसी ढलाई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। आज इतासंग पंचायत के माननीय मुखिया जी के द्वारा माननीय मंत्री जी आज उद्घाटन कार्यक्रम में श्रवण कुमार जी पहुँचे और गांव में जब हम लोग पहुँचते हैं तो मन खुश हो गया कि 70 लाख की योजना का उद्घाटन मनरेगा से होता है तो लगता है कि मनरेगा एक ऐसी योजना है कि गांव को तरक्की का, पंचायत के तरक्की का एक बहुत बड़ा ये साधन है। और ऐसे मौके पर माननीय मंत्री जी पहुँचे, इसके लिए मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। माननीय सुनील जी भूतपूर्व विधायक हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे पार्टी के नेता श्यासरण ठाकुर जी हैं, भूतपूर्व राजू जी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मनरेगा जो योजना है प्योर गांव की योजना है, इस योजना में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए जिससे गांव स्मार्ट हो, गांव सुंदर बने, गांव में हर चीज़ की व्यवस्था हो, यही मेरा कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा पर आरोप लगते रहता है कि काम नहीं होता है, सिर्फ पैसे की निकासी होती है। और आज यहाँ पर आप सबको आकर के प्रसन्नता हुई होगी, आप लोगों ने खुद भी देखा है, खुशी हुई होगी कि आज 70 लाख की योजना का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और भी कार्य हुए हैं, उनका उद्घाटन आज नहीं हुआ है, बाद में किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मनरेगा कितना कारगर योजना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो श्रमिक हैं उनको काम भी दिया जा रहा है। तो दोनों काम हो रहा है, गांव की गलियों को ठीक भी किया जा रहा है, नालों को भी ठीक किया जा रहा है, और जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको इसमें रोज़गार भी दिया जा रहा है। इस तरह से मनरेगा योजना काफ़ी लाभकारी हो रहा है, प्रभावकारी हो रहा है। अगर इसी तरह से हर एक पंचायतों में काम हो तो निश्चित रूप से हमारे बिहार में और बिहार के लोगों को इसकी सुविधा मिल सकती है।